हेलो, आज इस वीडियो में हम मोलरता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मोलरता। पहले समझ लेते हैं मोलरता कहते किसको है, फिर हम मोलरता के सूत्र को जानेंगे, फिर इसके ऊपर एक आंकिक प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोलरता का परिभाषा होता है बिलियन के एक लीटर में, बिलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। बिलियन के एक लीटर में, कितना लीटर में, एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, मोलरता का सूत्र हो जाता है विलेय के मोल बट्टा बिलियन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। इसका दूसरा सूत्र ये होता है विलेय के मोल ऊपर और बिलियन का आयतन ml में, यदि लेंगे ml में, ml में बदल, लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो 1000 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, ये 1000 उड़ के चलाएगा कहाँ, ऊपर। तो इसका दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा बिलियन का आयतन किसमें, ml में। दूसरा फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोल बटा बिलियन का आयतन ml में गुना 1000। ये 1000 इसलिए दिए हैं क्योंकि लीटर को हम किसमें बदल दिए, ml में। ठीक है, अब चलते हैं आंकिक प्रश्न पे। परिभाषा आपको याद हो गया, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। बिलियन के एक लीटर में, बिलियन के एक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता। तो इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। विलेय के मोल हो गया, मोलरता बराबर सूत्र हो जाता है विलेय के मोल बाय बिलियन का आयतन लीटर में, या विलेय के मोल बाय बिलियन का आयतन ml में गुना 1000। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको घेर देते हैं बॉक्स में, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इस तरह से कि 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है, 15% भी बाई भी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तीसरा है 25% डब्ल्यू बाई भी का क्या अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है हम आपको सिखाएंगे, देखिए इसको अच्छे से समझिए। 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू हम आपको पढ़ाएं द्रव्यमान प्रतिशत में, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट बाय वेट किसका होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का। तो द्रव्यमान प्रतिशत में क्या बताए थे, 100 ग्राम बिलियन में, ग्राम में जितना विलेय की मात्रा होगा उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो 20% का मतलब हो गया कि बिलियन में विलेय कितना है, 20%, 20 ग्राम, और बिलियन कितना है, 100 ग्राम। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम विलेय जो है, विलेय 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित है, ठीक, यह समझ में आ गया होगा। और उसी तरह होता है भी बाय भी आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का मतलब क्या होता है, विलेय भी ml में कितना, तो 100 ml में विलेय की ml में मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत। तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, 15 ml विलेय कितना बिलियन में, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित है, उपस्थित है। समझ में आ गया होगा। 25% डब्ल्यू बाई भी का मतलब होता है वेट बाय वॉल्यूम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब होता है विलेय होगा आपका द्रव्यमान में यानी ग्राम में, और बिलियन का जो आयतन होगा वो होगा ml में। तो 25 ग्राम विलेय उपस्थित है कितना बिलियन में, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तीन टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, W बाई W, V बाई V, और W बाई V का मतलब
क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ आंकिक प्रश्न, और हमारे साथ देखिए आप कैसे कैसे हम बनाते हैं, उसे सीखना है आपको। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl को यानी नमक को 250 ml जल में घोलने पर बिलियन की मोलरता क्या है, मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता बराबर क्या सूत्र होता है, विलय के मोल। पहले आपको क्या निकालना, विलय के मोल निकालना। विलय के मोल निकालने के बाद सूत्र पे आप बैठा दोगे, विलयन का आयतन देखिए दिया हुआ है कितना 250, तो जो जो दिया हुआ पहले उसको हम लिख लेते हैं। विलय हमारा है NaCl, ठीक है, इसमें इंक डाल देते हैं, इंक खत्म हो गया। विलय के, विलय NaCl का भार है कितना, 5.85 ग्राम, ठीक। विलय का अणुभार क्या होगा बताइए, तो विलय का अणुभार, मोल निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, भार और अणुभार। भार हमारे पास दिया हुआ है, अणुभार को हम निकाल लेंगे, तो फिर हम निकाल लेंगे विलय के मोल। तो अणुभार में क्या है, विलय है NaCl, क्या है NaCl, तो NaCl का कैसे निकालते हैं, Na कितना है 1, और Na का द्रव्यमान कितना होता है 23 प्लस Cl कितना है 1 गुना Cl का कितना होता है 35.5, ठीक। 23 को 1 से गुना करेंगे 23 प्लस 35.5 ये आ जाएगा कितना 58.5, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, विलय के पहले मोल निकाल लेते हैं, तो विलय के मोल यहाँ लिखते हैं, विलय के मोल बराबर क्या सूत्र होता है, भार बटा अनुभार। भार देखिए कितना है 5.85, अनुभार कितना निकाले आप 58.5, ये दशमलव देखिए उड़ जाएगा नीचे में आ जाएगा 100, ये दशमलव उड़ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 10, ठीक। अब इधर से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सुनना से ये सुनना कट जाएगा, तो 10, 10 में यदि 1 से आप भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.1, कितना आ जाएगा 0.1, ठीक। तो मोल हमारे पास आ गया। अब बिलियन का आयतन देखिए, बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ, लिखिए तो इसको पहले आप लिखिए, बिलियन का आयतन कितना है 250 ml, ठीक है। अब मोलरता बराबर सूत्र डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या सूत्र हो जाएगा, विलय के मोल हम कितना निकालें 0.1 बाय आयतन कितना हो गया 250 अगुना 1000, ठीक। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा कितना 10, 10 से 10 ये कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, इसको काटिए 2, 5, 5 से काटते थे, 5, 2, 10 इसको काट देते हैं 5 से 5, 25, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब बाय में कितना 5, इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। इस तरह से आप मोलरता को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। हम हट जाते हैं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।